शख्सियत को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने वाले चैनपुर का आवाम भी कम काबिले तारीफ नहीं है, जिनका मुंतखब करदा लीडर आज हुकूमत बिहार में अकलियती बहबूद का वजीर का ओहदा अपने कंधों पर संभाले हुए है और अपनी आंखों में तरक्की कौम का खाब समेटे हुए है। शायद आप ही के जैसी शख्सियत के लिए फिक्रो ख्याल का शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, हजार साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपके जैसा इंसान रुए जमीन पर बार बार जन्म नहीं लेता है। हम अकलियत के लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और शायर अजीम मीर तकी मीर की जुबान में ये कहते हैं, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, तब खा के पर्दे से इंसान निकलते हैं, तब खा के पर्दे से इंसान निकलते हैं। हम लोग आप ही के जैसे इंसान से तरक्की का उम्मीद रखते हुए दुआ करते हैं कि आपके ओहदा में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आपका खैरख्वाह डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंग्लिश टीचर, CBSE स्कूल मोहनिया कैमूर। आखिर में जनाब वजीर अकलियती बहबूद, हुकूमत बिहार से इल्तिजा है कि इस नाचीज के हाथों इस मुख्तसर से सिपाशनामा को दस्तयाब फरमाएं। आगे मैं चेयरपर्सन साइदा बेगम जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट को मोमेंटो से सम्मानित करें। एंड कार्यक्रम का नाम है ऑनर्स फॉर द बेस्ट 2022-23। आज हम लोग उन बच्चों को सम्मानित करेंगे जिनका 2022-23 में परफॉर्मेंस पूरे साल उमदा रहा, जिनको ये सम्मान नहीं मिलेगा उन्हें निराश नहीं होना है, आने वाले साल में अपना बेस्ट करना है, इसी सोच के साथ आगे पढ़ाई जारी रखनी है। निश्चित ही आने वाले दिन में वो भी सम्मानित होंगे। CBSE स्कूल के सभी शिक्षक निसंदेह अपना 100% देते हैं। इसका प्रमाण है कि यहाँ के छात्र रामानुजन टैलेंट सर्च जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम में अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ चुके हैं और ये सम्मान स्टेट लेवल पर मिलना बताता है कि आप सभी कितना समर्पित हैं बच्चों के शिक्षा के प्रति। कुछ शिक्षकों को CBSE स्कूल आज सम्मानित करेगी जो अपने विषय और दिए हुए एक्स्ट्रा वर्क में डेडिकेटेड होकर के पूरे साल काम किए। इसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा जितेंद्र सर। जितेंद्र सर, रुपया से जितेंद्र सर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अरविंद सर, अरविंद सर आइए स्टेज पे। अरविंद सर, अरविंद पांडे सर, हमारे चीफ गेस्ट मंत्री साहब ने 1000 रुपया और मोमेंटो से अरविंद सर को नवाजा। जाकिर हुसैन सर, जाकिर सर आए।
सर आई के स्टेज पर। जाहिदा बेगम स्टेज पर आई है। बिल्कुल हम लोग समय कम लेंगे और बहुत ही जल्दी काम करेंगे। आगे मैं उन छात्रों को बुलाना चाहता हूं जो पूरे वर्ष अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाकर शिक्षकों को मोहित कर दिया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग बेस्ट ऑफ ऑनर्स में प्राइज क्या क्या देने वाले हैं। बेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बेस्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेस्ट ऑफ मैथ, बेस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द बेस्ट डिबेटर, बेस्ट ऑफ हिंदी लिटरेचर, बेस्ट ऑफ एसेइस्ट, बेस्ट ऑफ फिजिक्स, बेस्ट ऑफ बायोलॉजी, बेस्ट ऑफ सोशल साइंस, बेस्ट ऑफ राइटिंग और बेस्ट ऑफ हिंदी ग्रामर। सबसे पहले बेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तीन बच्चे नॉमिनेट हुए थे, हुमैरा सबीर क्लास 9, फातिमा तबस्सुम क्लास 10 और मेहर फैयाज क्लास 8। मेहर फैयाज विनर है। मेहर फैयाज आइए हम लोग स्टेज। बेस्ट इंग्लिश लिटरेचर कुछ कमी है, इसके बाद आ जाए शाही जमाल। शाही जमाल केमिस्ट्री, फातिमा तबस्सुम मैथ के लिए, फातिमा तबस्सुम मेहर फैयाज फिर से आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। मेहर फैयाज शाही जमाल एक बार डिबेटर, डिबेटर के लिए शाही जमाल शाही जमाल डिबेटर दीजिए। फातिमा तो बस हिंदी के लिए शाही कमाल एसेइस्ट आ जाए। फिजिक्स के लिए अनमोल आनंद, बायोलॉजी के लिए सौर्य सिंह कोमल आ जाए एसएसटी के लिए, और राइटिंग के लिए मंगुसा अफ्ताब, हिंदी ग्रामर मेहर फैयाज आ जाए स्टेज पे। एक लाइन चलिए दीजिए बात नहीं हो जाएगा अगर सलाइन से नहीं भागे। आप लोग अगर गलती से उठ गया हो तो बाद में चेंज कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। साहित्य समान आएंगे डिबेटर, डिबेट 3 साहित्य समान शाही जमाल आएंगे डिबेट 3 का अवार्ड दिया जाए।
और इस साल के हमारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फातिमा तबस्सुम, मंत्री साहब के द्वारा दिया गया और साथ ही एक मोमेंटो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2022-23। समय आ चुका है ऐसे पर्सनालिटी से मिलने का जिनकी आवाज, जिनकी जज्बात, जिनके कामों को देखा जाए तो उन्होंने हमेशा समाज में नाम कमाया है, हमेशा समाज के हितों के लिए उन्होंने काम किया है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज वो हमारे बीच में है। कई बार क्या होता है कि अक्सर हम लोगों के जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो एक बार में कहते हैं ना कि खुशी के फूल उन्हीं के दिल में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। ऐसी पर्सनालिटी जब भी हम लोगों को मिलती है तो हम लोग बार बार हो जाते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। नगमे वफा के हर सांस पर गा नहीं सकते हैं। आज आपका मिजाज, आपका अंदाज इतना अजीज है हमें कि मंच पर नाम लेकर बुला नहीं सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान भरी तालियों के साथ स्वागत है मुख्य अतिथि साहब। दो शब्द हमारे बच्चों को जरूर मोटिवेट करें और बताएं। आज इस स्कूल में आज एक अच्छा मूल्यवान पहली बार आया हूँ। इससे पहले भी कई बार हमारे भाई श्यामजन साहब बुलाए खेल थे लेकिन मैं नहीं आ पाया था। आज बच्चों से मिलकर, अपने बच्चों से मिलकर जो मुझे खुशी हुई है आज इस समारोह में मौजूद एकदम से बैठे तमाम जुनार साथी मेरे भाई शाम ने बड़े तमाम मेरे नौजवान साथी एक एक बैठे मेरे बच्चे और बच्चियां हमारे शिक्षक दल प्रिंसिपल तमाम अपने साथियों की ओर से अपनी ओर से दिल की गहराई स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आप बीच में आकर काम हुए खुशी हो रहा है बच्चों को भी देखकर जो बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार दे रहा था मैं खुशी हूँ। हमारे बच्चे बच्चियां इस लायक है, उस मार्च में है कि आज मैं हाथ में पुरस्कार दे रहा हूं। मैं बच्चों बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पर भरोसा है, उम्मीद है हम सबका अपना रोशन करेंगे। आज से विद्यालय से निकल कर बाहर जाएंगे। मैं चाहता हूं जिस तरफ से लगन से आपको जो कामयाबी मिली, आगे पुरस्कार मिला, कल भी उसी रेस में आप कामयाबी के लिए रहे, लेकिन उसके लिए आपको और भी जबरदस्त संघर्ष करना होगा। आज मेरे प्रिंसिपल साहब मेरे मुलाकात पहली बार हुआ है, मेरी सहायता से मुझसे भी कहना चाहूंगा जो बच्चे हैं आपके बेटे की तरह है, बच्चे आप बेटी की तरह है, आपको मेहनत करते ही है, उनको भी बराबर समझाना है। चूंकि लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, हम बच्चों से कहना चाहते हैं जो यहां तक में पहुंचे हैं, कहीं कई गार्जियनों का हाथ रहा है, अभिभावकों का हाथ रहा, अनुशासित रहे हम लोग। हमारे प्रिंसिपल साहब है जो तरह से आप उनके बीच में अनुशासित रहेगा निश्चित तौर पर कामयाबी के लिए अपने मन में ज्यादा जल्द मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी फिर नहीं हो, मैं आप बच्चों से कहना चाहता हूं पढ़ाई का हो, जागरूकता हो, खेल का जो भी हो, ईमानदारी से अनुशासित होकर और मंजिल को देखकर अगर कदम बढ़ाइएगा तो निश्चित तौर पर कामयाबी होगी। लेकिन वो मंजिल आपकी है, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, बच्चियों से कहना चाहता हूं, जो मंजिल है उस मंजिल के मुताबिक कल संघर्ष कर रहा होगा निश्चित तौर पर मंजिल आप बच्चे मिलेगी।
लेकिन सर्वोच्च करना होगा। ये बहुत समय है, आप क्या कर लीजिए अंदर से संपत्ति के बाद में काम करना है, उसमें भी पहुंचना है। इसी बच्चों के बीच सारे साथी बनते हैं, इसी बच्चों के बीच से मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आप ही के बीच से बोल दिया हूं, गांव साथी और सम्मानित साथी बैठे आपके बीच से बोल आए हुए हैं। इस जमाने में मार खाते थे, दूसरा मारता था, अभिभावक को मारते थे, घर गांव के अभिभावक गर्मी के पिताजी जो घर गांव के ढांचे अभिभावक थे उसे मार खाते थे, डर देते थे, टीचर को मारते ही मारते थे। बहुत बढ़िया है, टीचर को नहीं मारता किताब निकालते देखो हमको। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कर कुछ करना है, जिस तरह से मैं बच्चिया ने दी और बच्चे ने दी कुछ कामयाबी कुछ नहीं, ये भी कामयाबी नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, परिवार आपसे प्यार करता है, टीचर प्यार करते हैं, आप एक उम्मीद के तहत चिराग आप है, आपको स्कूल दिया जाता है, पंडित दिया जाता है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। निवारण का जमाना जरूर है, लेकिन निवारण अच्छे भी है बुरे भी है। मैं बेटा से कहना बच्चों से कहना चाहता हूं जो अच्छी चीज है उसको आप देखें। मैं देख रहा था बार मोबाइल में निकल गई ध्यान दिया, एक बच्चा था जो बहुत गरीबी से उठा था, उसके पिता ने फादर ने मदर ने मां ने पढ़ाई से रोक दिया, मां को नहीं दिया ऐसा बच्चा था, लेकिन संपर्क लिया जो मैं उसको पढ़ रहा था सर आपको ध्यान था वो बच्चे मोबाइल में दिख रहा था, इतना खुद हुआ बच्चा था, शंकर दिया कि मुझे आईएस बनना है। उसके साथी बच्चे उस क्लास से तो हंसते थे, जब गार्जियन से घर ने कहा तो मां बाप रोने लगे, यह तुम्हारा मनी उस मनी के मुताबिक मैं खर्च नहीं दे पाऊंगा बेटा, छोड़ो सरकार स्कूल बता भी था, लेकिन बच्चा नर्वस नहीं हुआ। देखिए नर्वस होता है तो टूट जाता, मां बाप भी टूट जाते, दो भाई लोग थे, एक भाई खेती में काम करता था, उसको भी शौक था का नहीं, चलो छोटा भाई था जगह है उन्होंने मदद करी करो, यानी कि मान के चल के पैसा मांगता था, फीस मांगता था, पिताजी न जाने पड़ोसी से मांग लेता था, मार्केट में जाकर किसी पान की दुकान में मांग लेता था, 10 रुपया 100 रुपया इकट्ठा करके फीस के ले जाता था, किताब खरीदता था, जो सीनियर लोग थे उनके घर चला जाता था, उनका चाय नाश्ता कराया, किताब लेकर पढ़ता था। ये करते 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 जब आगे वहां बीए की तरफ गया तो लोगों का रुझान हुआ कि लड़का आगे निकलेगा, चाय पढ़ता था 20-20 घंटा पढ़ता था, तो मेरे भारत के पढ़ने के लिए उत्तर नहीं पाता था, लेकिन जब उनको जानकारी नहीं पड़ता लड़का जो है सही मंजिल की तलाश में लगा हुआ है नहीं, तो लोगों ने उसे मदद करने लगे, मदद करने लगे, आईएएस यूपीएससी निकाला। मेरे कहने का मतलब बच्चों से कहना चाहता हूं, हम सब लोग घर में बैठे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बच्चा कर लेगा, बच्चा जब तक मंजिल तय नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, ईमानदारी से मंजिल को देखेगा नहीं, आप कामयाब नहीं हो पाएगा, हम परेशान रहेंगे। इसे मैं कहना चाहता हूं छोटी सुनो बच्चे, बहुत सारा भी समय है अपने मंजिल के मुताबिक जो सेवा करना है उस मुताबिक मुताबिक अगर आप मेहनत करेंगे निश्चित तौर पर ऊपर वाला उसका मंजिल आपके यहां पहुंचा देगा। इसी के साथ आप सबसे से अपने साथियों से मेरा विदा देता हूं, अपने भाई हुसैन साहब जो मुझे खबर किए बुलाए आपके बीच में आया, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरे को भी बुला लेना चाहता हूं, जो जरूरत से न्याय मैं जिलाता हूं, चैन भी सुझाव जरूर जीता हूं, एक कभी कभी महिला के लोगों का भी संघर्ष रहा है, जिला कमेटी का संघर्ष रहा है, जब मेरी जरूरत को बुलाइए मैं आपको देखते रहूंगा। मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब या बैठियों में कहना चाहता हूँ, इस स्कूल के उससे मेरी जो जरूरत है आप बोलेंगे कि इसमें
जमा भाई की जरूरत है, जमा भाई का काम है, आप भी संदेश बुला सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इसी साथ बात करता हूँ, कोई जल जाना है तो उन्हें कहने से पता लग जाता है। जय हिंद, जय भारत।